हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियो में इंटीजर्स चैप्टर को स्टार्ट किया था और वहां पर मैंने आपको इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, आज जो है हम एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके इंटीजर्स टॉपिक से ही रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपको क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको क्या करना है, राइट अपोजिट द फॉलोइंग, राइट अपोजिट द फॉलोइंग, यानी हमें क्या है जो नीचे दिए हुए हैं उनके अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है, उनका अपोजिट। तो पहला है इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट, यानी वेट में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट अपोजिट इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज होना, तो इसका होगा डिक्रीज इन वेट, यानी वेट में क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। जैसे इंक्रीज मतलब ऊपर बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना और डिक्रीज मीन्स डाउन होना, डिक्रीज इन वेट, तो वेट क्या हो गया, डिक्रीज हो। जैसे सेकेंड पार्ट में क्या बोला, 30 किलोमीटर इन नॉर्थ, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में हम क्या गए, 30 किलोमीटर, तो उसका अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, क्या होता है, साउथ, नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, तो इसमें क्या लिखेंगे, अपोजिट अपोजिट, 30 किलोमीटर इन साउथ, यानी 30 किलोमीटर कितना जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो ये इसका क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसी तरीके से बाकी के तीन पार्ट हैं, 80 मीटर ईस्ट, तो इसका अपोजिट वेस्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ 700, लॉस, तो लॉस का अपोजिट क्या होता है, गेन, प्रॉफिट, ठीक है, 100 मीटर अबव सी लेवल, मतलब जो पानी की आपकी लेयर होती है उससे 100 मीटर अबव, तो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लू, अंदर, अंडर, अंडर वाटर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करने हैं, इसके अपोजिट लिखने। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज द इंटीजर एज द अपोनेंट साइन, यानी आपको बताना है कि उसको नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है जो आपके पास इंटरेस्ट था। जैसे उसने दे रखा फर्स्ट, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट 200 मीटर ऑफ द ग्राउंड, यानी सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में आपको बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या करना है, साइन का यूज करना, किसका यूज करना है, साइन का, साइन में या तो आपको प्लस को यूज करना होगा और माइनस को यूज करना होगा, या तो प्लस को यूज करोगे या फिर माइनस को यूज करोगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, एक एरोप्लेन है जो ग्राउंड लेवल से 200 मीटर ऊपर है, ऊपर को किससे डिनोट करते हैं, प्लस के साइन से, किससे, प्लस के, तो प्लस के लगाना है किस पे, 200, बस आपको ये काम करना है, यानी 200 क्या होगा आपका, प्लस का होगा, प्लस का 200। नेक्स्ट है अ सबमरीन इज द मूविंग एट द डीप, डीप मतलब नीचे, 800 बिलो द सी लेवल, 800 नीचे यानी पानी के नीचे है, तो यानी कितने नीचे है, 800 नीचे है, डाउन है, क्या लगाना, नेगेटिव। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर टू में प्लस साइन और माइनस साइन का क्या करना है, यूज करना है, कि किसके लिए हम प्लस का यूज करते हैं, किसके लिए माइनस का यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही था कि आपको जो है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन आपका अपोजिट है और कौन आपका इनके, तो अपोजिट के लिए हमने पहला क्वेश्चन किया और बाकी आपको स्टेटमेंट पढ़ के देखना है कि वो प्लस का है या माइनस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। थैंक यू।